सो गाइस हमेशा की तरह हम सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, हम पहले अपने मॉडल का बैकग्राउंड रेस करेंगे। ठीक है गाइस, तो उसको रेस करने के लिए हम यहाँ से लेकर चलेंगे अपने फोटो को ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में ले जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे अपनी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है एंड गाइस इरेजर टूल में जाना है। देन गाइस आपको यहाँ पे साइज अपने अकॉर्डिंग रख लेना है एंड जो उसकी हार्डनेस वगैरह की 90 तक रख लेना है। फिर आपको लेयर सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद आपको फोटो को जूम करना है एंड यहाँ से गाइस फटाफट से रेस कर लेना है। बैकग्राउंड को रेस करने के बाद आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देन गाइस आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को लेना है। ठीक है, तो मॉडल ऐड करने के बाद गाइस आप सभी को कुछ स्टेप से रखना है। ठीक है, और जो गाइस आपके मॉडल का जो हाइट होगा वो गाइस आप उसके विराट कोहली का जो हैंड है उसके अकॉर्डिंग रख लेना गाइस। ठीक है, फिर उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे टी शर्ट कलर ऐड करना, तो वो कैसे करना गाइस मैं आप सभी को बता देता हूँ। आपको जाना है एडजस्ट वाला ऑप्शन में, आपको यहाँ पे मिलेगा ह्यू वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आपको ह्यू वाला ऑप्शन में जाना है। देन गाइस आपको यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो रेड कलर कैसे सेलेक्ट करना वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो रेड कलर होगा गाइस हमें नीचे की तरफ नहीं मिला तो हमें रेड कलर ऊपर की तरफ मिलेगा। तो ऊपर की तरफ जाके आपको जैसे गाइस यहाँ पे रेड कलर का ये वाला मिलेगा गाइस, ठीक है, डार्क वाला, तो आपको सिंपली ये लेना है। देन गाइस आपको जैसे ही आपको मिल ले लेंगे तो उसके बाद आपको जाना सैचुरेशन में एंड जो इसका सैचुरेशन होगा आपको उसको ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। ठीक है, तो इतना कुछ बढ़ा देना है, अराउंड कुछ 82 तक कर देना है एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे डन करना है। ठीक है, क्योंकि अभी हम इसका फेस से जो कलर हटा नहीं सकते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोबारा से जो हमने मॉडल लिया गया उसी को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो उसको हम यहाँ पे फटाफट से ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसको ऐड करने के बाद गाइस आपसे कुछ स्टेप्स, आपको जो हाइट वगैरह है उसको सेम उसी साइज में रखना है। ठीक है, तो साइज को हम कुछ स्टेप्स इतना रख लेते हैं एंड जो गाइस साइज जैसे आप इसको रख दोगे तो उसके बाद आपसे फिर क्या करना है, आप सबको सिंपली इसको कुछ स्टेप से रख के एंड उसके बाद आपको यहाँ से इरेजर टूल में जाना है। ठीक है, तो हम इरेजर टूल में चलते हैं क्योंकि जो हाइट होगी तो वैसे उसमें जो मतलब कि फेस वगैरह है उसको हमें वापस से वही कलर देना, तो उसके लिए हमें इरेजर टूल में जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी कम कर लेंगे। ठीक है, ओपेसिटी कम करके एंड इसको चेक करेंगे कि इसकी हाइट वगैरह सेम हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट परफेक्ट है, तो परफेक्ट है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद चलते हैं यहाँ से रेजर टूल में एंड उसके बाद इसको इन्वर्ट करते हैं, ब्रश को लेते हैं एंड उसके बाद फोटो को जूम करके फटाफट से यहाँ पे पेंट कर लेते हैं जो जो हिस्सा हमें चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे फटाफट करता हूँ। यहाँ पे हमने सब कुछ इरेज वगैरह भी कर लिया है बट गाइस अभी हम यहाँ पे डन करते हैं एंड गाइस उसके बाद हमें टी शर्ट पे जो विराट कोहली के जो ब्लैक उसमें जो टैक्स वगैरह लिखे हैं वो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको मैं पीएनजी दे दूंगा। ठीक है, ये टी शर्ट की आपको सिंपली करना है गाइस, आपको अपने मॉडल के ऊपर कुछ स्टेप्स रखना है। ठीक है, एंड इसकी ओपेसिटी आपको पहले कम करके रख लेनी है एंड ओपेसिटी कम रख करके आपको ये देखना है कि गाइस आपके जो मतलब कि आपके मॉडल में एकदम फिट हुआ है कि नहीं। फिर देन उसके बाद आपको इरेजर टूल में जाकर आपको फटाफट से जो वेस्ट एरिया होगा साइड का उसको आपको यहाँ पे सिंपली परफेक्ट तरीके से एकदम इरेज कर लेना है। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से एंड गाइस मैंने यहाँ पे वीडियो को इसलिए फास्ट कर रखा है क्योंकि यार आप सभी का मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ एंड गाइस मतलब कि मैं चाहता हूँ कि यार आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो एंड आपको अच्छे तरीके से समझा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से एकदम मतलब यहाँ पे रेस कर दिया है। ठीक है, तो आपको भी कुछ स्टेप्स ऐसे रेस कर देना है, जो एरिया रह जाए उसको भी अच्छे तरीके से पेंट कर देना है। देन उसके बाद आपको फिर अगर आपके ब्लैक कलर की शीट लेनी है, ठीक है, आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। फिर रिजल्ट में जाकर इसको इन्वर्ट कर देना है। देन आपको साइज अपने अकॉर्डिंग रखकर आपको फोटो को जूम करना है एंड उसके बाद गाइस आपको कुछ स्टेप्स ऐसे पेंट करना है। ठीक है, क्योंकि आपको उसके नीचे एक शैडो डालनी है तो आपको कुछ स्टेप्स ऐसे हम रेस करते हैं एंड उसके बाद इसको हम कर देंगे मूव टू डाउन। ठीक है, मूव टू डाउन कर देंगे एंड इसकी ओपेसिटी हम कम कर देंगे। फिर उसके बाद इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना, आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है। देन गाइस उसके बाद आपको क्या करना, आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में एंड गाइस यहाँ से जो नीचे पैंट का जो पीएनजी आपको सिंपली इसको लेना है एंड जिसको लेना है आपको कुछ स्टेप्स ऐसे रखना है। ठीक है, अपने हैंड के मतलब कि जो विराट कोहली का हैंड है उसको आपको यहाँ पे टच में रखना है कि मतलब कि एकदम मैच हो जाए। ठीक है, इस तरीके से रखना है। देन गाइस आप जैसे इसको यहाँ पे इस तरीके से मर्ज कर दोगे तो उसके बाद आपको क्या करना, आपको रिजल्ट इसकी ओपेसिटी कम करके देखना है कि पूरा मर्ज हो रहा है कि नहीं। फिर जैसे ही आपको लगे कि हाँ मर्ज हो चुका है तो आपको सिंपली फिर क्या करना, आपको जाना है रिजल्ट रूल में।
फिर उसके बाद हार्डनेस को फुल करके उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से आपको यहाँ से रेज करना है, ठीक है। जो टी शर्ट है जो उसके पास से आपको रेज कर लेना है, ओके। सो इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको ओपेसिटी फुल करना है। एंड जो कोई एक्स्ट्रा एरिया है हम उसको पहले यहाँ पे पेंट कर लेते हैं अच्छे से, एंड इसकी ओपेसिटी हार्डनेस करके हम इस साइड से कम करते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ से पेंट कर अच्छे से इरेज कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप सबको यहाँ पे सिंपली यहाँ से इरेजर टूल में जाना है। एंड इसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पे हार्डनेस वगैरह कम कर लेना है। एंड इसके बाद आपको इस साइड से इरेज करना है, ठीक है। तो इरेजर में जाके आपको कुछ स्टेप से पेंट कर देना है। देन कैसे आपको जो साइड में एरिया रह गया उसको कैसे आपको फूल फील करना है वो बताता हूँ। आपको जाना टूल्स में, फिर जाना आपको यहाँ पे क्लोन टूल में। क्लोन टूल के ऊपर गाइस मैंने एकदम परफेक्ट तरीके से वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप इजीली वहाँ जाकर देखना, आपको एकदम अच्छे तरीके से वहाँ पे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तो आप जाकर चेकआउट जरूर करना, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो उसको मैंने इतना कर लिया है, अब इसको क्या करना है आप सभी को, इसको आपको इस तरीके से, तो गाइस यहाँ पे एकदम परफेक्ट है। अब क्या करना है गाइस, इसमें हमें थोड़ा सा इसका कलर है जो आपको विराट कोहली से मैच कराना, तो समझ जाएंगे एडजस्ट में। फिर उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, ठीक है। इसका ब्राइटनेस बढ़ा के एंड उसके बाद हम इसका थोड़ा सा शेडो बढ़ाएंगे, ठीक है, हल्का सा। एंड उसके बाद जो इसका क्या कहते हैं टेम्परेचर है इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, कुछ रख लेंगे इसको 93 तक। एंड इरेजर टूल में जाकर इन्वर्ट करेंगे, ब्रश को लेंगे। एंड उसके बाद गाइस क्या करना है आपको, फेस के ऊपर कुछ इस टाइप से पेंट करना अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से पेंट करना है। एकदम कोई भी एरिया मतलब कि बाहर की तरफ ना रह जाए, कुछ इस टाइप से पेंट करना है आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपका हैंड है जो हैंड के ऊपर भी थोड़ा पेंट करना है। एंड बाकी जो गाइस हल्का फुल्का रह जाएगा तो हम लाइट रूम में एडजस्ट कर ही देंगे। तो अभी हम इतना करते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे हम फोटो जूम करते हैं, हैंड के ऊपर करते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो आप लोगों का थोड़ा ना अच्छे तरीके से एकदम प्रैक्टिस कर करके करना है अच्छे से, ठीक है। एक दो बारी में नहीं होगा, मुझे भी पता है, क्योंकि मेरे को भी मेरे से भी एक दो बारी में नहीं हुआ था, मैंने 3-4 बार एडिट किया जब जाके फोटो बनी है। तो यहाँ पे हम इसको डन करते हैं, ठीक है। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको उस फोटो यहाँ पे सेव कर लेना है, इसको लेकर चलना है ऐसे लाइट रूम ऐप में। सेव करके आपको सिंपली लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो हम लाइट रूम ऐप को ओपन करते हैं। एंड गाइस लाइट रूम ऐप को ओपन करने के बाद आपको सिंपली जाना है स्लाइड वाले ऑप्शन में, आपको उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है। एंड गाइस उसके बाद जो हाईलाइट है उसको आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, एंड जो शेडो होगा आपको उसको भी इंक्रीज कर देना है। फिर जो गाइस आपको ब्लैक मिलेगा उसको थोड़ा कम कर देना है, एंड जो व्हाइट होगा इसको थोड़ा सा आपको इंक्रीज कर देना है, ठीक है। तो गाइस कलर एडजस्ट तो आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो जैसा चाहो, ठीक है, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है कलर एडजस्ट करने का। तो हम इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस करते हैं, जो टेम्परेचर होगा उसको बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं। एंड मिक्सचर में जाके सैचुरेशन माइनस कर देते हैं थोड़ा सा। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको थोड़ा ब्लूनेस बढ़ा देना है। उसके बाद आपको जाना येलो कलर में, आपको येलो कलर का सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है। देन उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना डार्क ब्लू में, इसका सैचुरेशन माइनस कर सकते हो चाहो तो। उसके बाद आपको इसका पर्पल कलर में जाकर सैचुरेशन माइनस करना है, डन कर देना। फिर जाना आपको नीचे रेटूल में फोटो की जो क्लियरिटी होगा उसको इंक्रीज कर देना है। एंड जो कि फोटो मिनट होगा अलग से डाल देना। देन आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रीन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना। फिर जाना आपको इस नीचे रेटूल में फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड कहीं नोटिफिकेशन को आपको उसको बढ़ा देना है। फिर आपको मिलेगा नीचे कलर नोटिफिकेशन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सबके सामने है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम इसमें रेड कलर को ले लेते हैं, ठीक है। तो रेड कलर को थोड़ा सा हम इसको यू थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं आगे की तरफ, ताकि टी शर्ट भी थोड़ा अच्छे से मैच हो जाए। एंड जो सैचुरेशन होगा उसको भी मैच करा देना है थोड़ा सा आगे की तरफ, ठीक है। तो गाइस परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे हमारी फोटो परफेक्ट तरीके से एडिट हो चुकी है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।